क्वेश्चन सहित आप लोग लाइव सेशन में बने रहिए, ठीक है। आते हैं पहला क्वेश्चन से, पहला प्रश्न से, ठीक है। पहला प्रश्न है बाबू कि पहला आधुनिक सूती वस्त्र कारखाना कहाँ स्थापित किया गया, ठीक ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, आप लोग बने रहिएगा लाइव सेशन में, ठीक ना। कि पहला आधुनिक सूती वस्त्र कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था, तो यह बम्बई में किया गया था, ठीक ना। कहाँ किया गया था, मुंबई में। और वर्ष कौन सा था, तो 1854 ईस्वी में किया गया था, ठीक ना। पहला आधुनिक सूती वस्त्र कारखाना 1854 ईस्वी में मुंबई में किया गया था, ठीक ना। तो यहाँ पे दो आंसर आप लोग का निकल के आया कि पहला आधुनिक सूती वस्त्र कारखाना का स्थापित किया गया मुंबई में, ठीक है। और कब किया गया, तो 1854 ईस्वी में किया गया, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, ठीक ना। दूसरा क्वेश्चन है बाबू कि हल्दिया पोताश्रय है, ठीक ना। हल्दिया पोताश्रय है, ठीक ना। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, ऑब्जेक्टिव इसका इसका नीचे है, ठीक ना। इसका आंसर जो है कि नीचे है, ठीक ना। हल्दिया पोताश्रय है, ठीक है। हल्दिया पोताश्रय है, तो ये कहाँ है, ठीक ना। ऑप्शन ए उड़ीसा में, ऑप्शन बी कर्नाटक, पश्चिम बंगाल तथा केरला में, ठीक ना। आपको लोगों को बताना है, कमेंट सेशन में जवाब दीजिए, ठीक ना, कि हल्दिया पोताश्रय कहाँ है। तो इसका आंसर है बाबू कि यह पश्चिम बंगाल में, ठीक ना। कहाँ है, कोलकाता पश्चिम बंगाल में, ठीक है। बहुत अच्छा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न हम देखते हैं कि मयूरभंज में कौन खनिज पाया जाता है, ठीक है। मयूरभंज में कौन सा खनिज पाया जाता है, ठीक है। मयूरभंज में कौन खनिज पाया जाता है, ठीक है बाबू। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो देखिएगा, यह पाया जाता है लोह अयस्क पाया जाता है, ठीक ना। यहाँ पे क्या पाया जाता है, लोह अयस्क। अब ये बाबू मयूरभंज कहाँ है, ठीक ना। तो मयूरभंज भारत के उड़ीसा में, कहाँ है, उड़ीसा में है, उड़ीसा में, ठीक ना। उड़ीसा एक राज्य है जिसकी राजधानी कहाँ है, भुवनेश्वर है, ठीक ना। उड़ीसा राज्य की राजधानी कहाँ है, भुवनेश्वर है। तो उड़ीसा में मयूरभंज है, और मयूरभंज में क्या पाया जाता है, लोह अयस्क पाया जाता है, ठीक है। बहुत बढ़िया, ठीक ना। चार नंबर क्वेश्चन देखते हैं, चार नंबर प्रश्न देखते हैं कि मणिकरण है, मणिकरण है, ठीक ना। अब मणिकरण एक शहर का नाम है, ठीक ना। तो मणिकरण कहाँ है, तो मणिकरण हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में, ठीक ना। ऑप्शन सी विल बी आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम, ज्योग्राफी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाबू हम लेके आए हैं, ठीक ना। ये प्रीवियस ईयर का मॉडल सेट है, ठीक ना, आप लोगों को करा रहे हैं। फाइव नंबर क्वेश्चन है कि पोर्ट सईद किस जलमार्ग पर स्थित है, पोर्ट सईद किस जलमार्ग पर स्थित है। इस क्वेश्चन के बाबू आप लोग रट्टा मार्क लीजिए, ठीक ना, पूरा घोर के पी जाइएगा, ठीक ना। कि पोर्ट सईद किस जलमार्ग पर स्थित है, तो बता दें आप लोग बाबू कि स्वेज नहर के जलमार्ग पर ये स्थित है, ठीक ना। पोर्ट सईद कहाँ स्थित है, तो स्वेज नहर पर ये स्थित है, ठीक है। ऑप्शन डी विल बी आंसर, ठीक है। छः नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से कौन मानव भूगोल की उपशाखा नहीं है, ठीक है। मानव भूगोल की उपशाखा नहीं है, इनमें से कौन मानव भूगोल की उपशाखा नहीं है, ठीक ना। तो मानव भूगोल में वो क्या आते हैं, मानव भूगोल में वह वस्तु आती है जो मानव अपने द्वारा प्रतिवर्तित करता है, ठीक ना, अपने द्वारा बनाता है, ठीक ना। तो सांस्कृतिक, सांस्कृतिक कौन बनाता है, मानव बनाता है कि हाँ हमको धोती कुर्ता पहनना है, हमको ये भाषा, हमको ये भाषा बोलना है, कौन बनाता है, मानव बनाता है। आर्थिक भूगोल, ठीक ना, हमको कंपनियां खोलना है, कुछ भी करना है, तो ये मानव बनाता है। परिवहन भूगोल, ट्रांसपोर्टिंग, बस से जाना है, सामान लेके जहाज से जाना है, तो ट्रांसपोर्टिंग कौन, मानव बनाता है। लेकिन जलवायु विज्ञान, जलवायु कौन, मानव नहीं बनाता है, ठीक ना। जलवायु कौन नहीं बनाता है, मानव नहीं बनाता है, ठीक ना। तो मानव भूगोल की उपशाखा नहीं है, तो क्या होगा, डी, जलवायु विज्ञान हमारी मानव भूगोल की उपशाखा नहीं है, ठीक ना। तो ऑप्शन डी विल बी आंसर, ठीक है, आप लोग यहाँ समझ लीजिएगा, ठीक ना, क्वेश्चन को बहुत अच्छा समझिएगा। सात नंबर क्वेश्चन है, सात नंबर प्रश्न है बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नरोरा नाभिकीय ऊर्जा परियोजना है, ठीक ना। नरोरा नाभिकीय ऊर्जा परियोजना है, ठीक ना, कहाँ है, ठीक ना। और ये तो ये राज्य का नाम दिया है, उत्तर प्रदेश, बिहार, केरल, त्रिपुरा, तो ये क्या है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है, कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। नरोरा नाभिकीय ऊर्जा परियोजना कहाँ है, तो यह उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू कि कोंकण रेलवे, कि कोंकण रेलवे पर रोहा स्टेशन किस राज्य में अवस्थित है, ठीक ना। कि कोंकण रेलवे पर रोहा स्टेशन किस राज्य में स्थित है, तो पहले आप लोग जान लीजिए बाबू कि कोंकण रेलवे है कहाँ, ठीक ना। तो यह मुंबई में है, यानी कि महाराष्ट्र में है, ठीक ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, ए विल बी आंसर, कहाँ है, महाराष्ट्र में, ठीक ना। ये क्वेश्चन पूछता है बाबू, इसलिए आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI, ठीक ना, VVI करके ये क्वेश्चन है, ठीक है। कोंकण रेलवे रोहा स्टेशन पर किस राज्य में स्थित है, तो महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नौ नंबर, ठीक ना। नौ नंबर का क्वेश्चन है कि मीटर गेज,
रेल पटरियों के बीच की चौड़ाई होती है, ठीक ना, मीटर गेज जो रेल पटरी की जो चौड़ाई होती है ना, रेल पटरी की जो चौड़ाई होती है, तो यही मीटर गेज की चौड़ाई कितनी होती है, ठीक ना, तो वो होती है 1 मीटर। बाबू आप लोगों को हम रेल पटरी के बीच वाला भाग नहीं बता रहे हैं, हम जो रेल पटरी होता है ना, ये रेल पटरी एक जो लाइन होता है, ठीक ना, ये माले की पटरी हुई, ठीक ना, तो इसकी जो ये चौड़ाई होती है, ये बीच की जो चौड़ाई होती है ना, तो ये इसकी 1 मीटर होती है, ठीक ना, जो बड़ा सा जो लोहा का बना होता है वो 1 मीटर होता है, ठीक ना। तो मीटर गेज मतलब कि रेल पटरी के बीच की चौड़ाई होती है 1 मीटर, ठीक है, ऑप्शन डी विल बी आंसर, ठीक है। अगला देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन कि भिलाई इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है, भिलाई इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तब बाबू आप लोग याद कीजिए कि भारत के अर्थव्यवस्था व भूगोल बुक में सेकंड भूगोल में आप लोग सेकंड चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा था कि भिलाई इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ की एक राज्य में स्थित है, कहाँ है, छत्तीसगढ़ में स्थित है, ठीक ना। तो ऑप्शन बी विल बी आंसर, 10 क्या हो जाएगा कि भिलाई इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है, छत्तीसगढ़ में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, 11 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन कृषि आधारित उद्योग है, ठीक ना, इनमें से कौन कृषि आधारित उद्योग है, मतलब कि कौन उद्योग कृषि पर आधारित है। तो चीनी उद्योग जो है कि बाबू कृषि पर आधारित है, चीनी किससे बनता है, गन्ना से बनता है, और गन्ना कहाँ से आता है, कृषि करने पर आता है, ठीक ना। तो हमें क्या होता है, यह कृषि आधारित उद्योग है, ठीक ना, चीनी, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, ठीक ना, ये हर बार पूछता है ज्योग्राफी में, जो भी ज्योग्राफी वाले स्टूडेंट है वो लोग लाइव सेशन में जुड़ जाइए, ठीक ना, कमेंट कीजिए, जिनको पता है, जो लोग 6-7 माह से पहले से पढ़ाई कर रहे हैं, जुड़े हुए हैं, वो लोग जवाब दीजिए, ताकि पता चले कि कितने लड़कियों को पता है और कितनी लड़कियों को पता है, ठीक ना। तो आइए 12 नंबर क्वेश्चन हम करते हैं कि जनांकीय संक्रमण की अंतिम अवस्था में क्या होता है। तो आप लोग को बता दें बाबू कि जनांकीय संक्रमण की 3 अवस्था होती है, ठीक ना, 3 अवस्था होती है, तो 3 अवस्था ही सबसे अंतिम अवस्था है, ठीक ना, सबसे लास्ट अवस्था है। जनांकीय संक्रमण की अंतिम अवस्था में क्या होता है, तो जनांकीय संक्रमण की 3 अवस्था होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो थर्ड अवस्था में क्या होती है, तो थर्ड अवस्था में बाबू जन्म दर एवं मृत्यु दर दोनों निम्न पाई जाती है, ठीक ना, जो जन्म दर होता है वो भी निम्न होता है, जो मृत्यु दर होता है वो भी निम्न होता है, तो जिससे जनसंख्या क्या होता है, ऋणात्मक जाता है, ठीक ना, जनसंख्या बढ़ने के बजाय जनसंख्या घटने लगता है, ठीक है, बहुत अच्छा, ठीक है, समझ गया आप लोग। अब देखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन, ये बहुत है, ठीक ना, श्रमिक से पूछा गया क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वह व्यक्ति जो 1 वर्ष में 183 दिनों से कम दिन काम करता है वो कहलाता है, वो क्या कहलाता है, कौन सा श्रमिक कहलाता है। आप लोगों को पता नहीं कि श्रमिकों को 3 भागों में बांटा गया है, ठीक ना, तो वह व्यक्ति जो 1 वर्ष में 183 दिन से कम काम करता है वो कौन सा श्रमिक कहलाता है, तो वह कहलाता है बाबू सीमांत श्रमिक, कौन सा श्रमिक, सीमांत श्रमिक कहलाता है, 183 दिन से कम काम करेगा तो कौन सा श्रमिक आएगा, सीमांत श्रमिक, ठीक है। अगला प्रश्न पे हम आते हैं, 14 नंबर पे आते हैं कि इनमें से कौन अपकर्षण कारक है, ठीक ना, अपकर्षण कारक कौन है, ठीक ना। तो बाबू आप लोग अपकर्षण पढ़े हैं जियोग्राफी में, अपकर्षण का मतलब होता है कि अट्रैक्ट करना, आकर्षण करना, खींचना, ठीक ना, तो इसमें नागरिकों को कौन खींचता है, ठीक ना, जैसे जैसे कि गांव में कुछ लोग रह रहे हैं, तो गांव में लोग रहते हैं, तो ग्रामीण लोग शहर में किस लिए आते हैं, ठीक ना, ग्रामीण लोग अपने जगह छोड़ के क्यों आते हैं, क्योंकि उनका शहरीकरण मिलता है, उनको शहर में अच्छा मतलब कि जीवन मिलता है, उद्योगीकरण रहता है, जिधर उद्योगिक रहता है उधर जाएंगे तो काम करेंगे, रुपया मिलेगा, तो शहरीकरण क्या है, अपकर्षण करता है, शहरी आप कहाँ रहना चाहेंगे, जहाँ शहर होगा, तो शहरीकरण अपकर्षण करता है, औद्योगिकरण अपकर्षण करता है, ठीक है। और तृतीय कार की भूमिका, ठीक ना, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक ना, शहरीकरण अपकर्षण करता है, अगर कहीं शहरीकरण होगा तभी आप जाइएगा, औद्योगिकरण अपकर्षण करता है, औद्योगिकरण रहेगा तभी आप जाइएगा, तृतीय कार्यों की प्रमुखता, जहाँ पे तृतीय कार्य की ज़्यादा प्रमुखता होगी वहाँ आप जाइएगा। ये तृतीय कार्य क्या है, तृतीय कार्य मतलब कि सेवा सेक्टर से किसी का सेवा करना, बैंक वगैरह, कार्यालय वगैरह, ठीक ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कौन अपकर्षण कारक है, तो तीनों है, ठीक ना, तीनों है, तो मतलब कि इनमें से सभी, डी विल बी आंसर, ठीक है, आ गया समझ में आप लोग को। 15 नंबर क्वेश्चन बाबू, मानव विकास सूचकांक से आप लोग को क्वेश्चन है, ठीक ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि मानव विकास सूचकांक का मान होता है कितने कितने के बीच होता है, बाबू बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक का मान होता है, तो यह होता है 0 और 1 के बीच में होता है, ठीक ना, 0 और 1 के बीच में होता है, बहुत बढ़िया, ठीक ना, 0 और 1 के बीच में होता है, ठीक ना, ऑप्शन डी विल बी आंसर, ठीक ना।
अंगूर की खेती को कहा जाता है? ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है बाबू, ठीक ना, कि अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है? तो अंगूर की खेती को वीटी कल्चर कहा जाता है, वीटी कल्चर। इसको क्या कहा जाता है? वीटी कल्चर कहा जाता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग पर किसका नियंत्रण रहता है? सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों पर किसका नियंत्रण रहता है? बाबू बता दे कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग है तो उस पर हमेशा सरकार का नियंत्रण रहता है। किसका नियंत्रण रहता है? सरकार का। लेकिन वही निजीकरण क्षेत्र होता है ना, निजीकरण प्राइवेट अगर क्षेत्र है तो उस पर किसका? एक व्यक्ति का निजीकरण रहता है। तो वो बोलते हैं ना कि निजीकरण हो रहा है, मतलब कि प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, मतलब कि निजीकरण हो रहा है, मतलब कि सारा हक एक व्यक्ति के पास जा रहा है। लेकिन वही अगर सार्वजनिक क्षेत्र रहता तो किसके? सरकार के हैंड में रहता, ठीक ना। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों पर किसका नियंत्रण होता है? तो सरकार का नियंत्रण होता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन 18 नंबर प्रश्न देखते हैं बाबू, ठीक है। टोक्यो औद्योगिक केंद्र है, टोक्यो औद्योगिक केंद्र है, ठीक ना। टोक्यो बाबू, टोक्यो औद्योगिक केंद्र है, कहाँ है? रूस में है कि जापान में है कि ऑस्ट्रेलिया में है कि इनमें से कोई नहीं, ठीक ना। तो बताते हैं आप लोग के, ये जापान में, ठीक ना। ऑप्शन बी विल बी आंसर, कहाँ है? जापान में। टोक्यो औद्योगिक केंद्र कहाँ है? जापान में है, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि स्वर्ण कालर संबंधित है, स्वर्ण कालर संबंधित है बाबू आपका ऑप्शन नंबर 3, तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित है, ठीक ना। स्वर्ण कालर किससे संबंधित है? तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित है। ऑप्शन सी विल बी आंसर आपका हो जाएगा, ठीक ना। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि लंदन किस महादेश में अवस्थित है, ठीक है। देखिएगा लंदन किस महादेश में स्थित है, लंदन किस महादेश में स्थित है? आपको बता दें बाबू कि महादेश कितने हैं? 7 है। कितने महादेश? कितने? 7 है, ठीक ना। तो लंदन, लंदन, लंदन क्या है? ब्रिटेन की राजधानी है, कहाँ की? ब्रिटेन की राजधानी है। और ब्रिटेन कहाँ है? ब्रिटेन है यूरोप में, कहाँ है? यूरोप में। तो लंदन किस महादेश में स्थित है? यूरोप महादेश में स्थित है, ठीक ना। तो 20 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी विल बी आंसर, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 21 नंबर प्रश्न है बाबू आपका कि वेस्टफेलिया किस देश में स्थित है, ठीक ना। वेस्टफेलिया किस देश में स्थित है? बाबू बता दे कि वेस्टफेलिया एक शहर का नाम है जो कि जर्मनी में स्थित है, कहाँ है? जर्मनी में स्थित है। वेस्टफेलिया किस राज्य में स्थित है? जर्मनी में स्थित है, ठीक ना। और जर्मनी की राजधानी कहाँ है? तो बर्लिन है, ठीक ना। बर्लिन का दीवार आप लोग पढ़े होंगे पॉलिटी में, ठीक है। तो वेस्टफेलिया कहाँ स्थित है? जर्मनी में स्थित है, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बाबू हर साल पूछता है, ठीक ना, रेल मार्ग पूछता है। तो 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग है, कहाँ है? कह रहा है 22 नंबर क्वेश्चन कि ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग कहाँ है? तो यह यूरोप में है बाबू, ठीक ना, कहाँ है? ये यूरोप में है, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन परिवहन का साधन नहीं है, निम्नलिखित में से कौन परिवहन का साधन नहीं है? परिवहन मतलब कि ट्रांसपोर्टिंग का साधन नहीं है, मतलब कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक सामान लेके नहीं जा सकता है, कौन? पाइपलाइन। पाइपलाइन की अगर हम बात करें तो यह लेके जाएगा, अगर हम पानी एक पाइप से छोड़ते हैं तो दूसरे पाइप पे गिर जाता है। नहर की बात करें तो यहाँ नहर है तो फिर यहाँ से जहाज से हम लेके जा सकते हैं। उपग्रह, सेटेलाइट, ये हमारा परिवहन का साधन नहीं है, ये हमारा परिवहन का काम नहीं करता है। राजमार्ग ये हमारा काम करता है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बाबू? उपग्रह, ठीक ना। निम्नलिखित में से कौन परिवहन का साधन नहीं है? उपग्रह। सेटेलाइट हमारा परिवहन का साधन नहीं है, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक ना। 24 नंबर क्वेश्चन है बाबू कि नम बिंदु बस्ती किस क्षेत्र से आधारित है, ठीक ना। नम बिंदु बस्ती किस क्षेत्र की विशेषता है, सॉरी, नम बिंदु बस्ती किस क्षेत्र की विशेषता है? तो यह मैदानी क्षेत्र की विशेषता है बाबू, ठीक ना। मैदानी क्षेत्र की विशेषता मतलब कि वह वस्तु जहाँ पे पास पास में घर बनाए गए हों, ठीक ना, पास पास में घर बनाए गए हों, उसे ही हम ग्रामीण बस्ती या नम बिंदु बस्ती कहते हैं, ठीक है। तो यह किससे आधारित है? मैदानी क्षेत्र से आधारित है, ठीक ना। अब देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन, ये 25 नंबर क्वेश्चन है बाबू हमारे भारत से, ठीक ना। भारत से क्वेश्चन है कि किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे अधिक है, मतलब कि हमारे देश में कौन से भाषा बोलने वाले लोगों की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो बता दें कि द्रविड़ परिवार की जनसंख्या जो है ना, भाषा बोलने वाले, इनकी जनसंख्या सबसे अधिक है, 43%, ठीक ना, याद रखिएगा 43% इनकी जनसंख्या हमारे देश में है, ठीक है। तो द्रविड़ किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो द्रविड़ भाषा की, ठीक है। अब देखिएगा 26 नंबर क्वेश्चन है बाबू कि भाखड़ नागल परियोजना अवस्थित है, भाखड़ नागल परियोजना, बाबू ये एक बांध है, ठीक ना, डैम है। तो भाखड़ नागल परियोजना कहाँ स्थित है? विश्व का सबसे ऊंचा डैम है, यह सतलज नदी पर पंजाब में स्थित है, कहाँ पे?
पंजाब में सतलज नदी के ऊपर स्थित है। तो आप लोग दो ही आंसर यहाँ पता हो गया कि भाखड़ा नागल बांध परियोजना अवस्थित है कहाँ पे, एक तो सतलज नदी पे है जो कि आपका राइट आंसर ए विल बी आंसर, दूसरा का आप लोग को पता चल गया कि यह पंजाब में स्थित है। ठीक है, आते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पे कि गोदावरी बेसिन कहाँ है। ठीक ना, गोदावरी बेसिन कहाँ है, वेयर इज द गोदावरी बेसिन। ठीक ना, गोदावरी बेसिन मतलब कि गोदावरी जो डेल्टा बनाती है कृष्णा और जो गोदावरी, जो कृष्णा नदी और गोदावरी नदी जो डेल्टा बनाती है वो कहाँ है, तो बाबू दक्षिण भारत में। ठीक ना, इन द साउथ इंडिया। ठीक ना, साउथ इंडिया ऑप्शन सी विल बी आंसर। ठीक ना, अब देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन कि इनमें से कौन खनन नगर नहीं है, मतलब कि इनमें से कौन ऐसा नगर है जिसमें खनन नहीं होता है, जहाँ पे कोई चीज़ की खुदाई नहीं होती है। तो आपको पता था कि पटना, डी विल बी आंसर। पटना में किसी भी प्रकार के वो खनन नहीं होती है, ना कोयला का ना किसी भी प्रकार का खनन नहीं होता है पटना में। ठीक है, तो ऑप्शन डी विल बी आंसर। ठीक है, अब 29 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है आप लोग का कि झील के सहारे किस प्रतिरूप का अधिवास पाया जाता है। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन है कि झील के सहारे किस प्रतिरूप का अधिवास पाया जाता है, तो ऑप्शन बी विल बी आंसर, वृत्ताकार अधिवास का पाया जाता है। ठीक ना, वृत्ताकार प्रतिरूप का अधिवास पाया जाता है। ठीक ना, 29 का बी आंसर होगा। ठीक है, अब देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन कि पहाड़ियों पर कौन अधिवास प्रतिरूप पाया जाता है। ठीक ना, जिन बच्चों को आंसर पता है लोग कमेंट पर जरूर दीजिए। ठीक ना, ताकि पता चले कि कितने लोग पढ़ाई किए हैं। आप लोग कमेंट में जवाब दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, लाइव सेशन में सभी बच्चों को जोड़िए, जो लोग आपके दोस्त हैं। ठीक ना, जो दोस्त है जिनकी पढ़ाई छूट रही है, ज्योग्राफी नहीं हो पा रही है, उनके पास शेयर कीजिए इस वीडियो को। पहाड़ियों पर कौन अधिवास, समाते क्वेश्चन पे। ठीक ना, पहाड़ियों पर कौन अधिवास प्रतिरूप पाया जाता है। ठीक ना, तो आप लोगों को बता दे बाबू कि पहाड़ियों पर सीढ़ी नुमा पाया जाता है। ठीक ना, क्या पाया जाता है, सीढ़ी नुमा पाया जाता है। अब आते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। ठीक ना, 31 नंबर प्रश्न है कि भारत में वर्ग एक के शहर नगर की जनसंख्या होती है, तो वर्ग एक में जितने भी शहर आते हैं बाबू उनकी जनसंख्या 10 लाख से ऊपर होती है। ठीक ना, कितने से, 10 लाख से ऊपर होती है। ठीक ना, अब आते हैं 32 नंबर क्वेश्चन कि कालका एक प्रसिद्ध परिवहन शहर कहाँ है। ठीक ना, कालका एक प्रसिद्ध परिवहन शहर कहाँ है, तो ये बाबू हरियाणा में है। ठीक ना, ऑप्शन बी विल बी आंसर। ठीक ना, आपका आंसर बी होगा, हरियाणा में। ठीक है, ऐसे ही लाइव सेशन बने रहिए बाबू, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक ना, कमेंट भी कीजिए, जो लोग आंसर पता है और किस चीज़ पे आप लोगों को वीडियो चाहिए वो भी कमेंट कीजिए। ठीक ना, ज्योग्राफी चल रहा है, इसके पहले हमने हिस्ट्री चलाया था, उसके बाद से आप लोगों को कौन सी चाहिए, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, सभी कमेंट कीजिए, ताकि पता चले आप लोगों की तैयारी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक ना, आपकी तैयारी बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोग के मायने में, आप लोग भी मायने में। ठीक ना, करिए बढ़िया से तैयारी कीजिए। इनमें से कौन एक प्राचीन नगर है, मतलब कि ये जो नगर दिख रहा है, जो नगर ऑप्शन में, इनमें से कौन एक नगर है जो सबसे पुराना है, तो नालंदा जो नगर है वो सबसे पुराना है। ठीक ना, नालंदा सबसे पुराना है। ठीक ना, यह बिहार में है, पता है आप लोग को। 34 नंबर प्रश्न देखते हैं कि इनमें से कौन शुष्क कृषि से संबंधित है, इनमें से कौन ऐसा फसल है जो शुष्क कृषि से संबंधित है। शुष्क कृषि से संबंधित हो है बाजरा। ठीक है, क्या है, बाजरा, ज्वार, बाजरा, ये सब जितना है ये सब शुष्क कृषि से संबंधित रखते हैं। ठीक ना, शुष्क कृषि से संबंधित रहते हैं बाजरा, ऑप्शन बी विल बी आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 35, ऑपरेशन फल्ड संबंधित है। ऑपरेशन फल्ड बाबू दूध से संबंधित है, किससे, दूध से, दूध से संबंधित है ऑपरेशन फल्ड। आप लोग को पता होना चाहिए कि दूध बढ़ाने के लिए ऑपरेशन फल्ड, ये इसका कार्यक्रम किया गया था। ठीक है, तो ऑपरेशन फल्ड किससे संबंधित है, दूध से संबंधित है। भारत में सिंचाई का साधन है। ठीक है, भारत में सिंचाई का साधन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारत में सिंचाई का साधन क्या है, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा। आप लोग ग्रामीण एरिया के बच्चे हैं, कुछ शहरी एरिया के बच्चे हैं, आप लोगों को पता होगा कि हमारे भारत में सिंचाई के साधन क्या है, सिंचाई का सोर्स क्या है। तो सिंचाई का सोर्स हमारे पास है तालाब है, कुआं है, नहर है, इन तीनों चीज़ों से हमारे यहाँ सिंचाई होती है। तो ऑप्शन डी विल बी आंसर, उपयुक्त सभी होगा। ठीक है, क्या होगा, उपयुक्त सभी होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं कि भारत में जल संसाधनों से संबंधित समस्या है। कि भारत में जल संसाधनों से संबंधित समस्या, मतलब कि भारत में जल से लेकर क्या समस्या है, वितरण, उपलब्धता, गुणवत्ता, उपयुक्त सभी। हमारे देश भारत में जल संबंधित समस्या, उपयुक्त सभी, डी विल भी है, वितरण भी है। कहीं कहीं समान नहीं है, दिल्ली में कहीं पानी नहीं है तो कहीं हैदराबाद में पानी नहीं है, तो वितरण की समस्या है। उपलब्धता, उपलब्धता का देखिएगा कि मतलब कि पहाड़ी इलाके में पानी उपलब्ध नहीं हो पाता है, लेकिन हमारे इलाके में पानी उपलब्ध हो पाता है, लेकिन कहीं जगह इलाके में पानी उपलब्ध नहीं होता है। गुणवत्ता में देखिएगा, कहीं पानी अच्छा मिलता है, कहीं पानी खराब मिलता है। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे, यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी विल बी आंसर, उपयोग सभी हो जाएगा। ठीक है,
आते 38 नंबर क्वेश्चन पे कि लौह अयस्क के मुख्य क्षेत्र हैं। लौह अयस्क के मुख्य क्षेत्र, लौह अयस्क मतलब कि आप लोहा अयस्क का मुख्य क्षेत्र कहाँ है, तो ऑप्शन डी विल बी आंसर, कर्नाटक में है। ठीक है, कर्नाटक इसका आंसर होगा। अगला देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन, मोनोजाइट पाया जाता है, मोनोजाइट पाया जाता है बाबू, मोनोजाइट आप लोग बता दें कि केरला में पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, केरला में। ऑप्शन ए विल बी आंसर इसका होगा 39 का, 39 का क्या होगा, ऑप्शन ए विल बी आंसर। आगे देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन, लांबा संबंधित है, ठीक ना, 40 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, लांबा संबंधित है, तो ये बाबू लांबा नहीं है, ठीक ना, ये लांबा नहीं है, गलत से यहाँ क्वेश्चन लांबा लिख दिया, ठीक ना, यहाँ पे होगा लावा, ठीक ना, क्या होगा लावा, तो लावा संबंधित है, भूतापीय ऊर्जा से है, ठीक है, भूतापीय ऊर्जा से लावा संबंधित है, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं, कोयला मिलता है, कोयला मिलता है, अगला क्वेश्चन है कोयला मिलता है, ठीक ना, तो बाबू कोयला कहाँ मिलता है, झरिया में, झरिया, ठीक ना, झारखंड, झरिया में मिलता है कोयला, कहाँ मिलता है, ऑप्शन ए विल बी आंसर, झरिया में मिलता है, ठीक है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 22 नंबर क्वेश्चन है कि जनसंचार का माध्यम है, जनसंचार का माध्यम है, मतलब कैसा, कौन सा माध्यम है जो जो जनता के पास संचार पहुंचाया जा सकता है, तो टेलीविज़न के द्वारा भी जनता के पास संचार पहुंचता है, समाचार के द्वारा भी पहुंचता है, रेडियो के द्वारा भी जाता है, तो क्या होगा, ऑप्शन डी विल बी आंसर, ठीक ना, ये सब उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक ना, क्या होगा यहाँ पे, जनसंचार का माध्यम क्या है, डी, उपयुक्त सभी। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बाबू कि इनमें से कौन सामाजिक भूगोल की उपशाखा है, इनमें से कौन सामाजिक भूगोल की उपशाखा है, तो चिकित्सा भूगोल, ऑप्शन ए विल बी आंसर, सामाजिक भूगोल की उपशाखा है, ठीक है, चिकित्सा भूगोल याद रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 44 नंबर क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वी वी आई इसको मानेंगे हम, आपके नज़र में आप भी मानिए इसको वी वी आई, और रट डालिए इसको, ठीक ना, ऑप्शन दीजिए आप लोग कमेंट में, आप लोग इसका आंसर दीजिए, सारे बच्चों आंसर दीजिए इसका, 44 नंबर का, कि स्थानीय संगठन भौगोलिक अध्ययन का उपागम रहा है, 24 नंबर क्वेश्चन है कि स्थानीय संगठन भौगोलिक अध्ययन का उपागम रहा है, तो ये बाबू 1950 से 1960 तक, ऑप्शन बी विल बी आंसर, ठीक है, 1950 से 1960 तक। 45 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना, ये मॉडर्न से क्वेश्चन है कि विश्व की जनसंख्या किस वर्ष 7 बिलियन हो गई, 7 बिलियन हो गई बाबू, 7 अरब हो गई, विश्व की जनसंख्या किस वर्ष 7 बिलियन हो गई, तो 2020 में हो गई 7 बिलियन, ठीक ना, 2020 में हो गया 7 अरब, 762 अरब अभी हमारे देश के पूरे विश्व की जनसंख्या है बाबू, ठीक ना, तो यानी 7 बिलियन कब हुई, 2020 में। 26 नंबर क्वेश्चन देखिएगा बाबू कि इन देशों में कौन जनांकीय संक्रमण की अंतिम अवस्था में, इन देशों में कौन जनांकीय संक्रमण की अंतिम अवस्था में, हमने बताया आप लोग को ऊपर कि जनांकीय संक्रमण के 3 अवस्था हैं, 3 अवस्था मतलब कि जो तीसरा अवस्था जो अंतिम अवस्था है वो तीसरा अवस्था है, और अंतिम अवस्था में है कि निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर, मतलब कि कम लोग ही जन्म लेंगे और कम लोग ही मरेंगे, तो जापान में, याद रखिएगा कहाँ है, जापान में, ऑप्शन डी विल बी आंसर, 46 का। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बाबू कि ऑस्ट्रेलिया का आयु लिंग पिरामिड क्या आकृति है, ऑस्ट्रेलिया की आयु लिंग पिरामिड की बाबू आकृति है त्रिभुजाकार, ट्रायंगल, एन ए विल बी आंसर, ठीक ना, क्या है, त्रिभुजाकार है। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 28 नंबर आंसर में हम आप लोगों को देखते हैं कि इनमें से कौन विद्वान मानव विकास सूचकांक से संबंधित है, कौन विद्वान मानव विकास सूचकांक से संबंधित है, आप लोगों को बता दें बाबू मानव विकास सूचकांक 1990 में किया गया था इसका प्रतिपादन, ठीक ना, और पाकिस्तान के अर्थशास्त्री और भारत के अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने मिलकर किया था, ठीक ना, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 48 का ए, अमर्त्य सेन, 48 का क्या हो जाएगा, ए, अमर्त्य सेन। अब चलते हैं बाबू 49 क्वेश्चन पे, 49 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि इनमें से कौन चलवासी पशुचारण से संबंधित है, इनमें से कौन चलवासी पशुचारण से संबंधित है, ठीक ना, तो बाबू इनमें से हो जाएगा, इनमें से सभी, क्या हो जाएगा, डी, डी विल बी आंसर, 49 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, इनमें से सभी पशु वो क्या है कि चलवासी पशुचारण से संबंधित रखते हैं। अगला देखते हैं बाबू लास्ट क्वेश्चन 50 नंबर, और यहाँ पे हम इस सेशन का अंत करते हैं, ठीक ना, 50 नंबर क्वेश्चन है, टॉप 50 हम करा रहे थे यहाँ पे, ये यहाँ क्वेश्चन है कि इनमें से कौन व्यापारिक अन्न कृषि से संबंधित है, जो इसमें से कौन ऐसा अन्न है जो व्यापारिक रूप से संबंधित है, ठीक ना, व्यापारिक अन्न से संबंधित है, गेहूँ, जौ, राई, बाबू ये तीनों व्यापारिक रूप से संबंधित है, आप लोगों को बता दें ये तीनों व्यापारिक रूप से संबंधित है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी विल बी आंसर। बाबू आप लोग का सेशन यहीं पे ख़त्म होता है, हमने आप लोगों को टॉप 50 यहाँ पे कराया है,
हमने क्या कराया आप लोग को, टॉप 50 हमने कराया है, ज्योग्राफी का टॉप 50 हमने क्वेश्चन आप लोग को कराया है, जो कि एग्ज़ाम के व्यू से बहुत अच्छा है। आप लोग दोस्तों के पास शेयर कीजिए, दो दोस्त लोग आप लोग के नहीं पढ़ पा रहे हैं उनके पास ये वीडियो पहुँचे ताकि तैयारी हो पाए। ठीक है, थैंक यू सो मच लाइव सेशन तक बने रहने के लिए।